इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात। महज 5,000 रुपए के लिए मासूम से दरिंदगी। अलीगढ़ में हैवानियत का नंगा नाच। अलीगढ़ की वारदात पर गुस्से में उबला देश। ये बस इतना ही चाहती हूँ, मोदी सरकार और योगी सरकार उसे इंसाफ ऐसा दो कि दुनिया देखे, उसे फांसी की सजा दो। पूरा एक हफ्ता बीत चुका है जब अलीगढ़ के टप्पल में कुछ हैवानों ने 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर पूरे देश की संवेदना को झकझोर कर रख दिया। इंसाफ की मांग कर रहे बच्ची के परिवार से आज जब आज तक मिला तो हफ्ते भर से दबा सब्र का बांध टूट पड़ा। मासूम की मां चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है। फांसी से कम की सजा इन्हें मंजूर नहीं है। बस यही कहना चाहती हूँ, मतलब सजा दीजिए, फांसी सजा दीजिए, इसे कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आज तो मेरे लड़की साथ हुआ है, किसी और के साथ भी होगा। ऐसी घटना आगे के लिए नहीं हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यानी फांसी, सीधी फांसी की सजा। जो भी दोषी है, जो दोषी है उसको फांसी की सजा मिले, निर्दोष कोई आए नहीं और दोषी बचे नहीं, यानी फांसी की सजा, यही मैं कहना चाहता हूँ। 30 मई की शाम को खेलते खेलते मासूम गायब हो गई थी। अगले दिन यानी 31 मई को घर वालों ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस से की। 2 जून को बच्ची की लाश उसी के घर के आसपास सड़ी गली हालत में कूड़े के ढेर में मिली। घर वालों का आरोप है कि पूरे 2 दिनों तक पुलिस सुस्ती बरतती रही। नहीं, पहले कोशिश नहीं की, अब कोशिश में सारे लगे हुए, यानी फास्ट काम से फास्ट कर रहे हैं सारा। मासूम की लाश मिलने के बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस ने मुख्य आरोपी जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि इसने 5,000 रुपयों के लिए सबक सिखाने की धमकी दी थी और इसी ने बच्ची को मार डाला। बाद में पुलिस ने जाहिद के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इन आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट लगाकर कार्रवाई में जुटी है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पे इसको हम डेजिग्नेटेड कोर्ट जो पॉक्सो को होता है वहाँ पे इसको दायर करें और प्रोसिक्यूशन के माध्यम से प्रभावी पैरवी करके इस केस में इनको कठोर से कठोर और सबसे कड़ी सजा का प्रावधान जो है उसको हम सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। 2.5 साल की बच्ची की मौत हुई है। 31 मई को बच्ची का अपहरण हुआ था जिसकी शिकायत दी गई और उसके बाद फिर बच्ची की बॉडी जो है एक गार्बेज, एक कूड़े के ढेर से बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कत्ल का FIR दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जरा सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए 2.5 साल की मासूम का कत्ल, जिस बच्ची का रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं हो, उसके साथ ऐसा बदला। आखिर उन लोगों की इंसानियत कहां मर गई जिन्होंने दरिंदगी को अंजाम दिया। मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने SP क्राइम की अगुवाई में 6 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया, जिसमें SP देहात मणिलाल पाटीदार टीम के प्रभारी होंगे। CO खैर, 4 विवेचक के साथ एक महिला थाना इंचार्ज सुनीता मिश्रा उस टीम का हिस्सा होंगे। उनके सहयोग के लिए FSL और SOG टीम को लगाया गया है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, किसी भी तरह का कोई रेप नहीं हुआ था, परंतु गला दबा करके मारा गया था, स्ट्रैंगुलेशन उसमें आया था। और उसके बाद में जब पुलिस को लगा कि ये कोई रंजिश या किसी तरह की दुश्मनी के कारण जो है ये मर्डर किया गया है, तो पुलिस ने और पूछताछ करी। जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की भी मदद ली जा रही है। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए 5 पुलिस वालों का निलंबन भी कर दिया गया है। जिन पुलिस वालों का निलंबन किया गया है उनमें इंस्पेक्टर कुशलपाल सिंह, SI सत्यवीर सिंह, SI अरविंद कुमार, SI शमीम अहमद, कांस्टेबल राहुल यादव शामिल हैं। लापरवाह पुलिस वालों का निलंबन हो गया, जल्द ही कातिलों को सजा मिल जाएगी, लेकिन वो मासूम कभी लौट कर नहीं आएगी। हाँ, त्वरित और सख्त सजा से हर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की रूह जरूर कांपेगी। अब सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी भी यही है।